एक मैं एक कहना चाहूँगा कि मर्द होता अपनी हस्ती का इतना तो रौब हो, जब भी गुजरे कोई महिला करीब से तो वो बेखौफ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बजारो हमारे देश जय राजस्थान फुल नंबर। भारत अपने हिंदुस्तान से लोग, विदेशों से लोग खूब देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं इसको, और ये जो हमारा जो राजस्थानी कल्चर है उसको हमें आगे प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना, उसके लिए ये अपना मेला आयोजित किया जाता है जो कि ये 3 दिन का होता है। दिसंबर नवंबर से पूरे राजस्थान में मेले स्टार्ट होते हैं, जो लास्ट आखिरी मेला होता है वो जैसलमेर में, जैसा मुझे पता है आखिरी मेला जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। टूरिस्ट विभाग द्वारा ये बहुत अच्छी तरह आयोजित किया जाता है, और इसके अंदर जो अपने पारंपरिक वेशभूषा साफा धोती कुर्ता ज्वेलरी जो राजा महाराजा जो उस ज़माने में पहना करते थे और वो कैसा अपना कैसे दिखते थे वो लोग, उसको अपने दर्शाया जाता है। और जैसे कि मिस मुमल, मिस महिंद्रा, मिस्टर महिंद्रा, बच्चों का कैमल फेस्टिवल, पोलो, बहुत सी चीज़ें होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक मरुश्री में 2021 में रहा हुआ हूँ, और जैसे कि हर साल जो मरुश्री जीतता है उसकी नेक्स्ट ईयर में कम से कम इतना तो कम से कम ये होना चाहिए कि उसकी कम से कम उसकी एक फ़ोटो पोस्टर पे आए, जिससे कि लोगों को उसको उत्साहित मिले कि जो जीता है, इवन दैट उसकी एक पिक्चर तो आए, मगर ऐसा कभी भी हुआ नहीं आज तक। और हमेशा कोई पुरानी फ़ोटो है जो चलती आ रही है कोई ज़माने से, वही फ़ोटो ये अपने विमोचन जो पोस्टर विमोचन करते हैं उसके अंदर आती है, जिसके जो हमें हर किसी मरुश्री को अच्छा नहीं लगता। आज मैं पूरी मेहनत करके मैं जीता हूँ, नेक्स्ट ईयर इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम मेरी फ़ोटो तो आए, एक फ़ोटो नहीं आती है ना ही कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट उसको पूछता है कि फोरम पे लिखा जाता है कि ना आप 3 दिन तक फंक्शन अटेंड करेंगे, आपको यहाँ यहाँ आना है, और चौथे दिन आपको प्रदर्शनी में आना है, वहाँ पर आपके फ़ोटो सेशन और ये सब कुछ होंगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है जो कि बोला जाता है। दूसरी, आज लोग बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, पुष्कर, मेवाड़, मारवाड़, कितने दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था बिल्कुल बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं रहती है, और धूप के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, बस इतना इतनी गर्मी के अंदर, खैर अभी सर्दी का सीज़न है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी रहती है, इतनी ज्वेलरी लोग पहनते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की, तो उससे थोड़ा आहत होता है मन, और कुछ भी नहीं, बस ये कहना चाहूँगा।